हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकिता सिंह, लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था कि जीवधारियों का वर्गीकरण पांच भाग में, फाइव पार्ट में किया गया था, जिसमें फर्स्ट आपका है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एनिमालिया, जिसमें से हमने प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई इन तीनों को अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट हमको पढ़ना था वो था प्लांटी, जिसमें हम लोगों ने पेड़ पौधों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था, और हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ इनका वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि पौधों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट आपका है थैलोफाइटा। ठीक है, पौधों को मुख्य पांच भागों में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं थैलोफाइटा, सेकेंड पार्ट को बोला जाता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा। थर्ड पार्ट को बोलते हैं टेरिडो फाइटा। फोर्थ पार्ट को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। फिफ्थ पार्ट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। उसके बाद जो थैलोफाइटा होते हैं, अब हम बारी बारी से इन एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट करिएगा कि पेड़ पौधों को निम्न पांच वर्गों में विभाजित किया गया है, और इन सब को जो इंग्लिश में वही हिंदी में भी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सिर्फ जिम्नोस्पर्म की जो हिंदी होती है वो अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म की आवृत बीजी। बाकी सबको हिंदी में भी वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम आपको एक एक करके इनके लक्षण बताते हैं कि पौधों में ऐसा क्या आपको दिखेगा कि जिससे आप उसको किस इस निम्न में से किसी एक वर्ग में रख सकेंगे। तो इनके कुछ न कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं, पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे थैलोफाइटा के लक्षण। ठीक है, जिनमें पहला लिखेंगे कि ये कैसे होते हैं, तो पहला आप लिखेंगे कि ये जलीय होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, संरचना में मतलब इनका जो पार्ट होता है वो जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। ठीक है, जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। ठीक, थर्ड पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे आप कि ये थैलस के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा नाम ही है तो उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं। ठीक, संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। अब संवहन तंत्र का मतलब क्या है कि वे ऑफ कंडक्शन। ठीक है, वे ऑफ कंडक्शन, किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है। ठीक, तो पेड़ पौधों में वो पाथ जो है वो वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है, और वही वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये मान लीजिए एक पौधा है। ठीक है, ये एक प्लांट है, इसको मान लेंगे कि यहाँ पे इसकी लीफ होगी, यहाँ पे इसकी पत्तियाँ होंगी और यहाँ पे इसके रूट होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन निर्माण का कार्य करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब पत्तियाँ क्या बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, इसलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, या किचन ऑफ द प्लांट, पौधों का रसोई घर, या पौधों का खाद्य भंडार या खाद्य फैक्ट्री। किसको बोला जाता है, पत्तियों को बोला जाता है। अब पत्तियाँ खाना बनाएं ना, तो अब तो खाएंगे इस घर के सभी मेंबर ना, तो जितनी ब्रांचेस होंगी, रूट्स होगा, जो स्टेम्स होगा, फ्लावर्स होंगे, जो वो सभी क्या करेंगे, इस फूड को खाने का कार्य करेंगे। और कैसे खाएंगे, जब ये भोजन उनके तक पहुंचेगा तब ना, तो इन भोजन को पहुंचाने का जो कार्य कौन करता है, एक प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू करता है। ठीक है, एक प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू करता है, जिसको बोला जाता है फ्लोएम।
क्या बोला जाता है? फ्लोएम बोला जाता है। ठीक, उसके बाद अब आपको पता है कि भोजन बनाने के लिए पौधों को पानी चाहिए ना, और पौधे पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब रूट पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, खाना यहाँ बनना है, पानी यहाँ है, ठीक है। जैसे किचन आपके घर में सेकेंड फ्लोर पे है और वाटर की जो पानी की जो व्यवस्था है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो खाना कैसे बनेगा? जब पानी सेकेंड फ्लोर तक पहुँचेगा तब ना। तो अब मान लीजिए सेकेंड फ्लोर से पानी किचन तक पहुंचाने का जो रास्ता है उसके लिए एक यहाँ पाइप लगा देते हैं, और उस पाइप को क्या बोला जाता है? जाइलम बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी वाटर्स और मिनरल्स के कंडक्शन का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फूड के कंडक्शन का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये संवहन ऊतक जो हैं वो थैलोफाइटा में अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हमने इसको इसलिए समझा दिया क्योंकि ये इन सभी में आपको काम देगा, ठीक है। तो यहीं पे जान लेना है कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। इसलिए पत्तियों को उसका पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। और भोजन को, फूड को ट्रांसफर करने का काम, फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम फ्लोएम का है। वाटर और मिनरल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जाइलम का है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप जानते रहेंगे। अब ये जो संवहन ऊतक होते हैं वो थैलोफाइटा में नहीं होते। हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ये संवहन ऊतक थैलोफाइटा में नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये इतने सिंपल कैरेक्टर्स हैं किसके? थैलोफाइटा के। जली होते हैं, जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं, संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, और निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो जितने भी शैवाल होते हैं, जितने भी एल्गी होते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो भी शैवाल होंगे, जो भी एल्गी होंगे, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं शैवाल को। तो इतना या तो आप नोट कर लीजिए या इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं शैवाल को कि शैवाल क्या होता है। शैवाल, ठीक है, शैवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एल्गी, देखिए शैवाल, ठीक है, सबसे पहले तो शैवाल स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, इसलिए शैवाल को क्या बोला जाता है? स्वपोषी बोला जाता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पहला पॉइंट, स्वपोषी होते हैं। दूसरा पॉइंट, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है, वो एक हरा वर्णक है जिसके कारण कि हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और वही क्लोरोफिल पिगमेंट शैवाल में भी पाया जाता है जिसके कारण वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तीसरा, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है।
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे कि इसकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप, एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है, मींस यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। इसके शरीर का निर्माण जो है वो सिंगल सेल से हुआ है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है, मीन्स साल्टी वाटर में भी पाया जाएगा और फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट, कई रंगों का होता है। शैवाल जो होते हैं वो कई रंगों के होते हैं, ठीक है, कई रंगों के होते हैं, ठीक है। अब रंगों के अकॉर्डिंग आपको बता दें, ये तो मेनली हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है और भूरे रंग का होता है, ठीक है। हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है और भूरे रंग का होता है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। सोपोशी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मीन्स साल्टी तथा फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, कई रंगों के होते हैं, ठीक है, ढेर सारे कलर के होते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी को देखते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कौन सी एल्गी ग्रीन कलर की है, कौन सी ब्राउन कलर की, रेड कलर की, तो कुछ के नाम आप लिख लेंगे। तो कारा, क्लेमाइडोमोनास, वनास्टॉक, ठीक है, कारा, क्लेमाइडोमोनास व नास्टाक, ये किस कलर के होते हैं? ये सारे एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। लैमिनेरिया व फूकस, ठीक है, लैमिनेरिया व फूकस, ये किस कलर के होते हैं? तो ये ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं। उसके बाद पारफाइरा और पॉलिक्सीफोनिया, ये किस कलर के होते हैं? तो ये रेड एल्गी है। कायरा, क्लेमाइडोमोनास, नॉस्टा ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं, पारफाइरा, पॉलिक्सीफोनिया रेड एल्गी के, लैमिनेरिया व फूकस जो है वो ब्राउन एल्गी के एग्जांपल हैं, ठीक है। इनमें संचित जो भोजन होता है, ठीक है, एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो आप लिख लेंगे, एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है, मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जिस भोजन का निर्माण करते हैं वो भोजन किस रूप में इसमें स्टोर होता है? तो आप लिख लेंगे कि स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एल्गी जैसे कि कौन, ये नॉस्टाक हो गया, अल्वा नॉस्टाक, ये भोजन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। कुछ एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। और आयोडीन टिंचर जो है, आयोडीन टिंचर का निर्माण किससे किया जाता है? तो आयोडीन टिंचर का निर्माण भूरे एल्गी से किया जाता है, ब्राउन एल्गी जो होते हैं उनसे आयोडीन टिंचर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई किसके बारे में? एल्गी के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड है? थैलोफाइटा से रिलेटेड है, ठीक है। तो थैलोफाइटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड टर्म हम देखते हैं ब्रायोफाइटा को, ठीक है। तो आप अगली हेडिंग डालिएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो इसके बारे में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, तना तथा पत्ती जैसी संरचना, जड़ नहीं, सिर्फ तना तथा पत्ती जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना
पाई जाती है। ठीक है, तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे जड़ के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे जल व खनिज संवहन के लिए ऊतक पाए जाते हैं। मीन्स जाइलम व फ्लोएम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नहीं, ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। इनमें भी जल एवं खनिज संवहन के लिए जो वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें भी फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ठीक है, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इतना था इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनका जो पौधा होता है, ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं, वो तना तथा पत्ती जैसी संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं, लेकिन जड़ के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। जल व खनिज संवहन के लिए वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता। इसके बाद इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा कि इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ठीक है, इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। इसके बाद आप इनका एग्जाम्पल लिख लेंगे, उदाहरण लिख लेंगे। तो पहला लिखेंगे आप मॉस। ठीक है, जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, मॉस या फ्यूनेरिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है रिक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे इस्फेग्नम। उसके बाद लिखेंगे लीवर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हॉर्न वर्ड्स। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हैं, मास व फ्यूनोरिया, रिक्सिया, स्फेग्नम, लीवर वर्ड्स एंड हार्ट वर्ड्स। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हैं, और ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या क्या है, तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जड़ के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, उसके बाद इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, रिक्सिया, स्फेग्नम, लीवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा टेरिडोफाइटा के लक्षण। लिखिएगा इसमें पौधे जो है वो जड़, तना, देखिए धीरे धीरे कैसे विकास हो रहा है ना। पहले वाला जो था उसमें जड़, तना तथा पत्ती कुछ नहीं थी, दूसरे वाले में तना तथा पत्ती आया, जड़ के स्थान पर राइजॉइड्स आया, और यहाँ तीसरे टेरिडोफाइटा में आके जड़, तना तथा पत्ती सभी आ गए। जड़ तना तथा पत्ती में विभाजित होता है,
ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में कि ये पुष्पहीन होते हैं, पुष्पहीन होते हैं। अब देखिए जड़ तना तथा पत्ती की उपस्थिति दिखा दी गई, तब पुष्प के बारे में भी जिक्र किया गया कि इनमें पुष्प नहीं पाया जाता, मतलब आगे चल के पुष्प भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ जिक्र भी कर देते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या होता है, पाए जाते हैं, ठीक है, ये इनमें पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, इनमें सीड जर्मिनेट नहीं होता, बीज उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, वैसे टेरिडोफाइटा को वनस्पति सर्प भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिएगा टेरिडोफाइटा को वनस्पति सर्प भी कहते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा को वनस्पति सर्प भी कहते हैं, ठीक है। वनस्पति सर्प किसे कहते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो आप बताएंगे टेरिडोफाइटा को कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, कि पौधे जो है वो जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं, पुष्पहीन होते हैं, संवहनी ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, वनस्पति सर्प भी बोला जाता है, बॉटेनिकल स्नैक भी बोला जाता है, ठीक है। नोट कर लिए, अब बस इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल नोट करिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फर्न, फर्न मार्सीलिया, फर्न मार्सीलिया, हॉर्सटेल, फर्न मार्सीलिया, हॉर्सटेल, ठीक है, हॉर्सटेल और सिलेजिनेला, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका, टेरिडोफाइटा का, ठीक है। तो पेड़ पौधों में हमने कुल तीन टॉपिक को कवर किया। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म को, फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो अब जिम्नोस्पर्म के बारे में लिखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। अब देखिए इसका मतलब कि इनमें बीज तो होता है लेकिन उस पर सीड कोट नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं, ठीक है। जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं, ठीक है, विभाजित होते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, संवहन ऊतक मीन्स वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, बीज जो है वो फलों के अंदर, बीज जो है वो फलों के अंदर नहीं होते हैं। हम जैसे जो भी देखते हैं, मेनली जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं उनमें सीड्स हमेशा उस फ्रूट के अंदर ही रहता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, बीज जो है वो फलों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे बहुवर्षीय होते हैं। पांचवा आप लिखेंगे बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है।
छठवां पॉइंट लिखेंगे मरुद्भिद होते हैं, मतलब जीरोफिटिक होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां लिखेंगे इनमें वायु परागण होता है, वायु परागण होता है, ठीक है। इतना था इनसे इम्पॉर्टेंट। सदाबहार व काष्ठी होते हैं, मीन्स इनमें लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये है जिम्नोस्पर्म के बारे में। नग्न बीजी होते हैं, जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं, संवहन ऊतक पाया जाता है, बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, वायु परागण होता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इतना नोट कर लिया आप, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं साइकस, ठीक है, साइकस। इसका किसका एग्जाम्पल है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। अब इसको हम इतना जो है हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, साइकस के तने से मंड निकाल कर क्या बनाया जाता है, साबूदाना, ठीक है, साबूदाना, जिसको क्या बोलते हैं, सैगो। तो साइकस के स्टेम से, साइकस के तने से स्टार्च निकाल के किसका निर्माण किया जाता है, साबूदाने का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपसे सैगो भी पूछ देता है, साबूदाना भी पूछ देता है कि ये कैसा है, मतलब आप ये कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म के साइकस से आपको मिल रहा है, ये उसके तने में प्रेजेंट स्टार्च से। मीन्स अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि साबूदाना जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेम बताएंगे, क्योंकि ये साइकस के तने से निकाला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है पाइनस, दूसरा क्या है, पाइनस। तीसरा क्या है, चिड़, ठीक है, तीसरा क्या है, चिड़। चिड़ जो है, चिड़ से चिलगोजा, चिलगोजा खाया पिया जाता है, ठीक है, तो चिलगोजा प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाता है चिलगोजा किससे मिलता है, तो आप बताएंगे चिड़ से मिलता है, ठीक है, चिड़ से। उसके बाद माचिस की तीली, माचिस की तीली बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, माचिस की तीली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इससे रिलेटेड है वो है सिकोया, देवदार, ठीक है, सिकोया, देवदार, इफेड्रा, इफेड्रा, और सातवां है टेनिन, और आठवां है रेजिन, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के, और इन सभी का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये सभी जो है बहुत ढेर सारी चीज़ों को बनाने में, ढेर सारी चीज़ों के निर्माण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये था क्या हमारा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिम्नोस्पर्म के लक्षण हो गए। अब एकदम लास्ट पॉइंट हमारा बचा है एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।